ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जीतिया पूजा के मंत्र के बारे में बताएंगे और कौन सा मंत्र बोल करके और किस विधि से जीतिया व्रत की पूजा करेंगे आप तो आपको पूरा फल मिलेगा। जीतिया का मंत्र क्या है, जीतिया की आरती क्या है और जीतिया का खास महत्व और सबसे खास नियम और विधि क्या है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह हर साल आपके काम आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि जीतिया का व्रत तो करते हैं लेकिन उनको पूरा फल नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर करेंगे तो पूर्ण नहीं मिल पाता है। जीतिया व्रत क्यों जाता है तो अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल ज्योति पुत्रिका का व्रत किया जाता है, यानी कि जीतिया व्रत जिसे बोलते हैं। इससे बच्चे की उम्र ज्यादा होती है, बच्चे की उम्र की सुरक्षा होती है और स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, खुशहाली आता है, जीवन में संपन्नता आती है। हाँ, ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि निर्जला और निराहार रह करके, यानी कि बिना पानी पिए बिना कुछ खाए ये व्रत रहना होता है और पूरा किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इस व्रत के मुख्य मंत्र को जानते हैं, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा, जी हाँ, और कुछ खास नियम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मंत्र जानते हैं। मंत्र क्या है, आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन इस मंत्र के साथ ही सुबह की शुरुआत कीजिएगा जीतिया के दिन। हर साल इस साल के लिए शुभ मुहूर्त और डेट हमने बता रखा है इसी चैनल पर, वो वीडियो देखिए। हर साल का शुभ मुहूर्त अलग से आपको मिल जाया करेगा, वो तो हर साल, लेकिन ये वीडियो आपके हर साल काम आएगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके और फ्रेश हो जाने के बाद कौन सा मंत्र बोलना है वो श्रवण कीजिए, या तो बोलिएगा नहीं तो इस मंत्र को चला करके आप आंख बंद करके ईश्वर को नमन कर लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा। मंत्र है, ॐ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र के साथ ही आपको सुबह की शुरुआत करनी है। ये मंत्र बहुत ही पावन, मंत्र तो सारे ही पावन होते हैं पर ये मंत्र बहुत ही पावन होता है। इस मंत्र को सुबह सुबह बोलिए या फिर ध्यान कीजिए और इसके बाद आप इस दिन के व्रत का आरंभ कीजिए। तो इसके कुछ नियम हैं, यानी कि जीतिया व्रत और बात करें कि पूजा की विधि क्या है तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्या है विधि, तो अष्टमी के दिन सुबह ही स्नान ध्यान करने के बाद जीतिया व्रत और पूजा का आपको संकल्प लेना होगा, संकल्प ले लीजिए। इसके बाद गंधर्व राजा जीमूतवाहन, चूँकि जीमूतवाहन जी गंधर्वों के राजा थे इसलिए गंधर्व राजा कहा जाता है, इनकी पूजा करनी होती है। इनको सरसों का तेल और खल्ली अर्पित किया जाता है। जी हाँ, व्रत कथा हुए इसके लिए चील और सियारिन का, जी हाँ, जो कि चूड़ा दही चढ़ाया जाता है इसको। और क्या है ये कथा, ये भी हमने इस चैनल पर दूसरे एपिसोड में बोला हुआ है, चील सियारिन का जिसे कथा बोला जाता है उसको श्रवण कीजिएगा। किस दिन, जीतिया के दिन, बहुत ही पावन होता है। और अगर आप सिर्फ व्रत की कथा सुनते हैं तब भी आपको इसका लाभ मिलता है। खास बात यह है, अष्टमी के दिन प्रदोष काल में कुश से निर्मित जीमूतवाहन जी की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित कर लीजिएगा। उसके बाद उनको पीली और लाल रुई से सुशोभित कर दीजिएगा। फिर वंश वृद्धि और प्रगति के लिए बांस के पत्तों, धूप, दीप, अक्षत, फूल, माला, इन सभी से उनका पूजन कीजिए। इसके बाद मिट्टी और गोबर से मादा चील और मादा सियारिन की मूर्ति बना लीजिएगा, उनको सिंदूर लगा दीजिएगा, खीरा और भीगे हुए केराव का प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। पूजा के बाद जीतिया व्रत की कथा सुनिएगा जो कि इसी चैनल पर मिलेगा आपको, चिल्हो सियारिन की कथा इसे कहते हैं, इसे सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद जीतिया की आरती कीजिएगा। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूरा कीजिएगा। अष्टमी के दिन जल भी ग्रहण मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही पावन व्रत है। इस साल शुभ मुहूर्त क्या है वो हमने दूसरे एपिसोड में बनाया है, चूँकि इसमें इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हर साल के लिए वीडियो रहेगा, ये आपके हमेशा ही काम आने वाला वीडियो है।
जो कि जितिया व्रत के मुख्य नियमों को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। इसमें आरती को नहीं जोड़ते हैं, आरती के लिए एक अलग से एपिसोड बना देंगे ताकि आप सभी आरती कर सकें, या फिर आरती खुद से बोलिए तो और अच्छी बात होगी, और नहीं आती है तो आप चला सकते हैं और उसके साथ में बोल सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके कानों में वो ध्वनि जानी चाहिए, आरती के शब्दों के साथ साथ उनके गहरे अर्थ को भी समझते हुए करें तो और अच्छी बात होगी। तो ये नियम जो है, इसमें जो चढ़ाने का हमने नियम बताया आपको और चिल्हो सियारिंग की कथा बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और आप सभी को एक बार दिल से हार्दिक बधाई, जीत पुत्रिका की, जीतिया की, और माताओं बहनों को नमस्कार, जो कि इस जीतिया के कठिन और मुश्किल भरे व्रत को बिना पानी और बिना अन्न के हम सभी बच्चों के लिए रखते हैं। तो आप सभी को एक बार दिल से नमस्ते। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं इसलिए दिल से धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन जी की जय, कमेंट में भी जरूर लिखिए जीमूत वाहन की जय। और आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल।